नमस्कार दोस्तों, सरकारी जॉब ज्ञान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे UIDAI रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में। जी हां दोस्तों, आधार कार्ड रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सो आधार कार्ड डिपार्टमेंट की तरफ से बड़े स्तर पर ये वैकेंसीज रखी गई हैं, जिनके लिए आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक से जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ में बात करेंगे कि यहां पर आपकी एज लिमिट क्या रखी जाएगी, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा जाएगा, कब से कब तक आप इस भर्ती के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, एंड आपको यहां पर मंथ पे स्किल कितना प्रोवाइड किया जाएगा, इन सभी टॉपिक के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो वीडियो को लाइक से जरूर देखिएगा। साथ ही में दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी के बटन को जरूर दबा लें, ताकि इसी तरीके की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। यहां पर आने के बाद में आपको करियर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आप यहां से इजीली चेक कर सकते हो, वैकेंसी यहां पर रखी गई है, इनके लिए आप इजीली यहां से चेक कर सकते हैं। क्लोजिंग डेट भी आप यहां से इजीली चेक कर पाएंगे, 26 सितंबर 2022 इसके लिए क्लोजिंग डेट रखी गई है। आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। जॉब लोकेशन आपकी दिल्ली और भोपाल रहेगी। 3.3 MB का ये नोटिफिकेशन है, जिसे आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरीके से यहां से आप चेक कर सकते हैं, रांची लोकेशन से भी जो है वैकेंसी निकाली गई है, एंड 26 सितंबर 2022 इसके लिए भी जो है लास्ट डेट रखी गई है। साथ ही में बेंगलुरु से भी वैकेंसीज आपके लिए रखी गई हैं और 26 सितंबर 2022 इसके लिए लास्ट डेट रखी गई है। रांची से भी जो है वेरियस पदों पर ये वैकेंसीज हैं, इसी के साथ में 26 सितंबर इसके लिए भी यहां पर लास्ट डेट रखी गई है। सो काफी अच्छी खासी वैकेंसीज है। इसी के साथ में दोस्तों, जो UIDAI डिपार्टमेंट है या फिर जो आधार कार्ड डिपार्टमेंट है, इसके अंदर समय समय पर वैकेंसी निकाली जाती है, जैसे कि आप यहां से इजिली चेक कर सकते हैं। 18 अगस्त 2022 इसके लिए लास्ट डेट थी, जिसकी अपडेट हमने आपको पिछली वीडियो में दी थी। 19 अगस्त 2022 भी इसके लिए लास्ट डेट रखी गई थी। बात करते हैं दोस्तों यहां पर वैकेंसीज के अपडेट के बारे में, कि कितने पदों पर ये वैकेंसीज हैं। तो रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन आपका आधार कार्ड रहेगा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से वैकेंसी जो है ऑर्गेनाइज करवाई जाएंगी, UIDAI की तरफ से वैकेंसीज ऑर्गेनाइज करवाई जाएंगी। बात करते हैं दोस्तों आधार कार्ड रिक्रूटमेंट 2022 के ओवरव्यू के बारे में, तो आप यहां से डिपार्टमेंट नेम इजीली चेक कर सकते हैं। आधार कार्ड यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से वैकेंसीज है। पोस्ट नेम के बारे में बात कर लें तो रीजनल ऑफिसर आरओ के पदों पर वैकेंसीज रखी गई हैं, साथ ही में सेक्शन ऑफिसर एंड असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, स्टेनोग्राफर एंड असिस्टेंट और अदर्स वैकेंसीज यहां पर रखी गई हैं। एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज के लिए आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक करना होगा। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एंड आप इन भर्तियों के लिए ऑनलाइन मोड के माध्यम से अप्लाई कर पाएंगे। UIDAI.gov.in आपकी ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी। बात करते हैं दोस्तों आधार कार्ड रिक्रूटमेंट की फुल डिटेल के बारे में, तो नंबर ऑफ पोस्ट आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है या फिर ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर चेक करने होंगे। बात करते हैं पोस्ट नेम के बारे में, तो रीजनल ऑफिसर के पदों पर वैकेंसीज रखी गई है, साथ ही में सेक्शन ऑफिसर के पदों पर वैकेंसीज हैं। डिप्टी डायरेक्टर, सीनियर अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, डिप्टी डायरेक्टर एंड इसी के साथ में दोस्तों यहां पर आपको जो है अकाउंटेंट, स्टेनोग्राफर और असिस्टेंट के साथ साथ में अदर्स के पदों पर भी वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएगी। आप इन भर्तियों के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। कौन कैंडिडेट यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, तो ऑल ओवर इंडिया के मेल एंड फीमेल बहुत कैंडिडेट यहां पर अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। एंड बात करते हैं दोस्तों सैलरी के अपडेट के बारे में, तो आपको यहां पर जो पे स्केल दिया जाएगा ये आपका काफी अच्छा खासा पे स्केल बनने वाला है। पे स्केल आपको 42,300 रुपए से 1,15,270 रुपए तक यहां पर दिया जाएगा, जो कि काफी अच्छी खासी सैलरी आपके यहां पर बन जाती है। एप्लीकेशन फीस में दोस्तों सभी उम्मीदवार महिला एवं पुरुष दोनों अभ्यर्थियों का कोई भी आवेदन शुल्क नहीं लग रहा है। यहां पर आप जो है फ्री ऑफ कॉस्ट अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। एज लिमिट के बारे में बात कर लें तो आप जो है मैक्सिमम 40 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। 1 अगस्त 2022 तक आपकी एज को यहां पर काउंट किया जाएगा। साथ ही में SC ST एंड OBC कैंडिडेट को गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार छूट दी जाएगी, जो कि SC ST कैटेगरी को 5 साल की एंड OBC नॉन क्रिमिनल कैंडिडेट को 3 साल की गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार ये छूट प्रोवाइड की जाएगी। इसी के साथ में दोस्तों अगर हम बात करें जॉब लोकेशन एंड एग्जाम सेंटर के बारे में, तो एग्जाम सेंटर आपका ऑल ओवर इंडिया रहेगा। आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी अपनी जो है एग्जाम दे सकते हैं, अपने होम स्टेट में अपनी एग्जाम दे पाएंगे। साथ ही में जॉब लोकेशन आपको इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं दोस्तों आधार कार्ड वैकेंसीज 2022 के ओवरव्यू के बारे में, तो आप यहाँ से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं। फिजिकल टेस्ट में आपका यहाँ पर कोई भी फिजिकल टेस्ट नहीं होने वाला है। साथ ही में दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर, अगर आप इस जानकारी को हिंदी में चाहते हैं तो आप हमारे
और सेकंड वेब पेज पर जाकर के इसकी पूरी डिटेल जो है हिंदी में ले सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे। तो आपके पास में एक फोटो और सिग्नेचर का होना जरूरी है, जिसका बैकग्राउंड जो है लाइट कलर का होना चाहिए। इसी के साथ में एजुकेशन सर्टिफिकेट, जो भी आपका 10th पास, 12th पास या फिर 8th पास का जो सर्टिफिकेट है ये आपके पास में होना चाहिए। डोमिशियल सर्टिफिकेट आपके पास में होना जरूरी है। कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। पैन कार्ड या आधार कार्ड में से कोई भी एक का जो है आपके पास में होना जरूरी है। एंड इसी के साथ में दो आपके पास में एडिशनल पासपोर्ट साइज के फोटो होने चाहिए, तभी जाकर के आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स यहां पर आपको जो है 10वीं और 12वीं पास कैंडिडेट इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अदर क्वालिफिकेशन के लिए आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को एक बार रीड जरूर कर लें। बात करते हैं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा, इसके बाद में आपका फाइनल मेरिट लिस्ट यहां पर निकलने वाला है। मतलब कि दोस्तों यहां पर आपका कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला है, सीधा इंटरव्यू या फिर सीधी भर्ती आप इसे कह सकते हैं। आपका जो है सीधा इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। इसी के साथ में दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट की इन्फॉर्मेशन आप जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स अगर आपको अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके लिए जल्दी से एक नई वीडियो लेकर के आ जाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म घर बैठ करके अपने मोबाइल के माध्यम से सबमिट कर सकते हैं। सो उसके लिए सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, घंटी के बटन को जरूर दबा लेना है ताकि जब भी मैं आपके लिए वो वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस भर्ती से संबंधित सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिल गई होगी। वीडियो किस लगी है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। एंड अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी तरीके की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी के बटन को जरूर दबा लें ताकि इसी तरीके की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद दोस्तों।